करना क्या है इसमें कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए टू पावर 3 आ रहा था और डी की पावर 4 जो है सी की पावर 5 आ रहा था, और इसमें ए बी सी डी जो है प्राइम इंटीजर्स है, सॉरी ए बी सी डी जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है। अच्छा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की पावर 3 होना है, यदि ऐसा कुछ होना है तो मैंने इस तरह की टेबल बना ली ए बी सी डी की। तो ये क्या कह रहा है कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए क्यूब होना है, तो लेट से ए को मैंने पी वन स्क्वायर रखा, कोई इंटीजर है पी वन स्क्वायर, और ये पी वन मतलब मैंने प्राइम ले लिया। ए कोई भी प्राइम इंटीजर ले लिया मैंने, इंटीजर ले लिया पी वन बाय द वे, और जब पी ए है पी वन स्क्वायर, तो ए पी वन स्क्वायर की होल पावर 3 करेंगे तो पी वन की पावर 6 आ जाएगा, तो बी कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा पी वन की पावर 3। और जैसे जैसे इधर लिया ऐसे ही इसको यदि सेटिस्फाई होना है तो मैंने सी को ले लिया पी टू टू द पावर 4, क्योंकि ये 4 है ना, तो इसमें कोई इंटीजर पी टू इंटीजर की पावर 4 होगा, तो पी टू की पावर 20 होने के बाद जब 4 कट करेगा तो डी की पावर पी टू की पावर 5, इस तरह से हो जाएगा। अब ये गिवन है कि ए माइनस सी की पावर इज इक्वल टू 9 होता है, तो ध्यान से देखो ए माइनस सी, ए क्या है पी वन स्क्वायर माइनस सी क्या है पी टू टू द पावर 4 इज इक्वल टू 9। तो बताओ ऐसा पी वन पी टू क्या होगा, ऐसा कुछ दिख रहा है कि 9 आ जाए? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पी वन का वैल्यू यदि मैं कितना रख दूं बताओ, ध्यान से देखो 5 रख दूं, और पी टू टू द वैल्यू रख दूं, पी टू वैल्यू रख दूं, पी वन 5 रख दिया, लेट से 5 P22 आ जाएगा रख दिया, और पी टू रख दिया कितना 2 रख दिया, तो ये फॉलो हो रहा है क्या, इतनी बात समझ आए? तो बताओ इस समय ए बी कितना हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा 25, बी कितना हो जाएगा 125 ना, चेक दिस आउट, पी वन की पावर 3, तो बी हो गया 125। अच्छा सी कितना हो जाएगा 2 टू पावर 4 16 हो गया, और पी टू टू पावर 5 32 आ जाएगा, इस तरह से। तो देखो ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, और ए माइनस सी का वैल्यू भी 9 आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है? तो अब बताओ बी माइनस डी कितना हो जाएगा, बी माइनस डी 32, और ये कितना आ जाएगा, देखो ये 3 आंसर 3 हो गया, और 93 आएगा क्या, थिंक अबाउट इट, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन किस तरह से अप्रोच किया गया? सर। नेक्स्ट आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। सर एक मिनट, ये कॉपी सर एक सेकंड लिखना। इवेल्युएट द फॉलोइंग, देयर आर 6 क्वेश्चंस, सॉल्व करो वन बाय वन। मतलब पहले का कितना आंसर आ रहा है, फर्स्ट का कितना आंसर आ रहा है बताओ। फर्स्ट का 3/2 आ रहा है। 3/2 आ रहा है। अच्छा ये इसका बताओ कितना आ जाएगा, -3/2 आ रहा है, इसका बताओ 3 आ रहा है, इसका बताओ, इसका बताओ 17/6 ओके, इसका आंसर बताओ, आंसर बताओ इसका, कर रहे हो ओके सॉल्व कर। सर इसका ऐसे आ रहा है, मतलब log 3 to the base 2 -3। अच्छा ये थोड़ा गड़बड़ है। हाँ नहीं नहीं ये गड़बड़ है, ये ऐसा 3 नहीं है, ये क्यूब रूट है। ओ अभी आ जाएगा ये, हाँ सर 2 मिनट अब करो करो आ जाएगा। कितना है इसका, -29/6, और इसका आंसर बताओ, इसका आंसर सर उसका 1/4 आ रहा है। 1/4 आ रहा है। हाँ चलो, तो अभी इसमें फोर्थ में थोड़ा लोगों ने बताया गड़बड़ आंसर आ रहे हैं, चलो फोर को चेक कर लेता हूं मैं।
है ना, इसको ऐसे रख सकते हैं। मेरा आंसर आ गया, सेम आया क्या? हाँ मतलब फिर भी मैं कर देता हूँ, ये 16 को लिख सकते हैं 2 to power 4, 2 power 1/3, और 8 को लिख सकते हैं 2 to power 3, 2 power 1/2, ऐसा। तो ये कितना हो जाएगा, log 2 to the power 4/3 into 2 to power 3/2 to the base 2, ये हो जाएगा log 2 to the power, कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई करें तो 8 और 9, 17/6 आ जाएगा और base 2, ऐसा। और ये देखो 17/6 आ जाएगा फिर आंसर, यही आंसर है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिफ्थ में कोई दिक्कत नहीं है और सिक्स में भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, ये इसमें सेकंड वाला है ना, उसमें जब हम 0.01 को 10^-3 होगा ना, वो -2 आएगा ना, -2, 0.01 इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/100 को लिख सकते हैं 1/10^2, इसको लिख सकते हैं 10^-2, ऐसा, ठीक है। दो डेसिमल है ना, डेसिमल से दो नंबर्स हैं, तो 1/100 हो जाएगा। यदि 3 डेसिमल होते हैं, यदि 3 डेसिमल होते हैं तो इस तरह का, जैसे कुछ इस तरह से 0.00001, लेट से ऐसा है, तो कितने डेसिमल से पहले है बताओ, 5 है ना, तो इसको लिखेंगे 2^-5, ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। Simplify the following. एक एक करके आप सॉल्व करते रहो, पहले सॉल्व करो ये, एंड देन सेकेंड ये है, सॉल्व फर्स्ट वन। दिखाई दिया, किस तरह से इसको अप्रोच करेंगे ये देख लेते हैं। ये 4 to the power 5 log 3 - √6 to the base, अच्छा इसको क्या 2 की पावर कितना, देखो 4 है, 2 की पावर 2 आ जाएगा और अंडर रूट 2 है, तो क्या ये 5/2 आ जाएगा, थिंक अबाउट इट, और -6, और इसको लिख सकते हैं log 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 √3 - √2, ये बिल्कुल ठीक है, थिंक अबाउट इट, क्या ये स्टेप समझ में आ रहा है? मैंने वही किया है, है ना। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 4 to the power, ये जो बेस में पावर है तो ये रेसिप्रोकल होकर चला जाएगा इधर, 5 into 2/5 log 3 - √6, है ना, तो द बेस 2 आ जाएगा, -6, और ये 3 है तो upon 3, log base 2 आ जाएगा, √3 - √2 आ जाएगा, ऐसा। तो अभी ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये 3, 2 ऐसा हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 4 to the power 2 log 3 - √6 to the base 2, और ये माइनस, ये कितना 2 times log √3 - √2 to the base 2, ठीक है। अब देखो दोनों में पावर 2 है तो ये 2 कॉमन ले सकते हैं, 4 to the power 2, है ना, log 3 - √6 to the base 2 एंड माइनस log √3 - √2 to the base 2, ऐसा। और ये कितना हो जाएगा, 4 to power 2 log, 4 डिवाइड हो जाएंगे ना, हाँ, अब इसको ये डिवाइड कर देगा तो कितना मिलेगा, देखो log ये कितना आ जाएगा, बोला सोच के बताओ, क्या ये रूट, ये 3 - √6 आ जाएगा, 3 - √6 upon √3 - √2 to the base 2 आ जाएगा, सही है,
है ना। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 4 की पावर 2 log। अच्छा इसमें बताओ रूट 3 कॉमन ले ले, तो ये तो रूट 3 आ जाएगा टू द बेस 2। थिंक अबाउट इट, देखो ध्यान से, रूट 3 यदि कॉमन लेंगे तो रूट 3 माइनस रूट 2 ये कट हो जाएगा। रूट तो यार डायरेक्ट रैशनलाइज भी कर सकता है ना, 4 टू द पावर log रूट 3 की पावर 2 टू द बेस 2 ऐसे लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अच्छा लेकिन ये एक काम कर सकते हैं, लेकिन बेस 2 ही करना चाहिए। तो इंस्टेड की हम ऐसे करें, हम इसको ऐसे कर लेते हैं, 2 की पावर में लेके चले जाते हैं। कैसे करें बताओ, 2 की पावर कितना हो जाएगा? 4। तो log रूट 3 की पावर 4 टू द बेस 2 ऐसे लिख सकते हैं। हाँ सर। और ये कितना होगा, 3 की रूट 3 की पावर 4 मतलब 9 आ जाएगा आंसर। क्या ये ठीक है आंसर? मतलब रूट 3 की पावर 4 आएगा आंसर और ये 9 के इक्वल होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्व अनदर क्वेश्चन। इस बार ये सॉल्व करो, सिंप्लीफाई दिस। आंसर बताओ और कैसे डील करेंगे इसको? सर आप एक सेकंड स्क्रॉल अप कर सकते हो, ये देख लेता हूं। पहले तो ये इसको देख लो ध्यान से, 81 की पावर, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, log 5 टू द बेस 9 प्लस ये 3 टू द पावर 3 इंटू log रूट 6 टू द बेस 3 ऐसे लिख सकते हैं, और अपॉन 409 इंटू, अच्छा यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा, रूट 7 की पावर, ये 2 है, 2 टाइम्स log 25 टू द बेस 7 हो जाएगा, एंड माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, 5 टू पावर 3, 5 टू पावर 3 और इसकी पावर log 6 अपॉन 5 टू पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इस तरह की सिचुएशन है। अब यहां पे ध्यान से देखो, 81 को 9 स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, थिंक अबाउट इट, क्या ये 5 स्क्वायर हो जाएगा? कैसे करेंगे, 81 की पावर log 5 स्क्वायर और 9 स्क्वायर सेम हो गया ना, 9 स्क्वायर इज 81, तो ये 5 स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। क्लियर हुआ ये पहला पॉइंट, तो ये 5 स्क्वायर मिला, और यहाँ पे प्लस ये कितना हो जाएगा, रूट 6 की पावर 3, रूट 6 की पावर 3 आ जाएगा, और अपॉन 409 इंटू, अच्छा यहाँ पे बताओ ये कितना आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करें, देखो ये स्क्वायर होगा ना, रूट 7 का स्क्वायर तो 7 आ जाएगा, और बेस बेस कितना है 7 है, तो ये 25 के इक्वल हो जाएगा, 25 माइनस यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा, ये 3 बाई 2 ये जो है ना 2 3 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और वो 6 की पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 6 की पावर 3/2 ये आंसर इधर आ गया। थिंक अबाउट इट, तो अब ये क्या मिला देखो ध्यान से, दिस इज इक्वल टू 25 प्लस, इसको देखो ध्यान से, तो ये 6 रूट 6 है, 6 रूट 6, और इसको ध्यान से देखो ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस ये भी 6 रूट 6 रूट 6 है, और अपॉन 40, तो 25 की पावर इसको आ गया 625 आ जाएगा, और माइनस इसका स्क्वायर 36 इंटू 6 कितना होता है, 16 ना बाय
409, आप देखो क्या ये 409/409 है, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 इज द आंसर। सो इसको दो मिनट बस लिख लेता। टू अपॉन लॉग 2000 टू द पावर 6 टू द बेस 4 प्लस 3 अपॉन लॉग 2000 पावर 6 टू द बेस 5। सॉल्व करो जल्दी से, क्या करेंगे बताओ इसमें। लिखेंगे 2/6 और लॉग 4 टू द बेस 2000 प्लस 3/6 लॉग 5 टू द बेस 2000, ऐसे लिखेंगे। ये 1/3 हो गया और ये 1/3 log 4 to the base 2000 और प्लस ये 1/2 log 5 to the base 2000। यदि आप ध्यान से देखो तो ये आ जाएगा log 4 to power 1/3 into 5 to power 1/2 to the base 2000। क्या इतना सही है? तो अभी